जिला गुरदासपुर के हलका डेरा बाबा नानक की भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बना करतारपुर पैसेंजर टर्मिनल और कुछ यात्रियों का जत्था पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में मत्था टेकने पहुंचा। एक तीर्थ यात्री के पास से अफीम और भुक्की पाउडर बरामद किया गया है। वहां पर उक्त युक्त को BSF के डेरा बाबा नानक पुलिस को सौंप दिया गया। डेरा बाबा नानक थाने की SHO दिलप्रीत कौर ने इस संबंध में बताया कि करतारपुर में 5 ग्राम अफीम और 10 ग्राम भुक्की पोस्त इस यात्री से पकड़ा गया। टर्मिनल पर तैनात BSF की 185 बटालियन के जवानों द्वारा गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जी के दर्शन करने जा रहे तीर्थ यात्री के निजी बैग की जांच स्कैनिंग के दौरान पोस्त बरामद किया गया। BSF द्वारा नशीली दवाओं के साथ पकड़े गए युवक की पहचान जिला लुधियाना के कमलजीत सिंह के रूप में हुई है। वहीं SHO दिलप्रीत कौर ने बताया कि BSF द्वारा पकड़े गए युवक को थाना डेरा बाबा नानक को सौंप दिया गया है। इस संबंध में उक्त युवक के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। गिरफ्तार युवक ने बताया कि वह अफीम खाने का आदि है। बाइट SHO दिलप्रीत कौर, बाइट दोषी। नाउ स्टार TV की जे रिपोर्ट। नहीं जी, थोड़ी जी। अच्छा हाँ जी, ते मैंने पता नहीं सीगा भी आए हो जूगा जी। खाना जी मैं माड़ा मोटा खा लेना जी। चलो इन्हों की ना लो बाइट साढ़े को बचो। हाँ जी मैडम जी, अज करतारपुर कोरिडोर से जी घटना जी संबंध एक जत्था आया जी। सी 8-9 जाने का जिन्होंने करतारपुर साहब विजिट करना सी। जो ड्यूरिंग फ्रिक्सिंग ही जो BSF ने उन्होंने पर्स के जी 5 ग्राम मिली है अफीम तो 10 ग्राम चूरा पोस्ट मिले। तो उन्होंने सू बंदा जो हैंडओवर किया है उत्ते ही एफ आई आर रजिस्टर धारा तहत परचा जो दर्ज किया गया। NDPS एक्ट के तहत सैक्शन हैगी 15-18। की नाम की नाम है? कमलजीत सिंह नाम है जी। तो मैडम हूँ की अगली तारीख जी कार्रवाई की होगी? यदि अरेस्ट हैगी जी, कल कोर्ट च पेश करा। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ।